पाकिस्तानी झंडा देखकर ये मत समझिए कि ये पाकिस्तान है, ये एमपी का देवास है, जहां के शिप्रा के एक मकान में ये झंडा लहरा रहा है। इस लहराते हुए झंडे का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आ गया। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल झंडे को उतारा गया। बताया जा रहा है कि झंडा आरोपी फारूक खान के बेटे ने लगाया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ये झंडा कैसे और कहां से आया और कौन लाया। राजस्व निरीक्षक तहसील देवास से आया हूँ। तो ये ग्राम छिपरा में अभी संज्ञान में आया था कि ये फारूक खां के मकान के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है। इसकी संज्ञान के लिए तहसीलदार साहब ने मेरे को भेजा था और मैं यहाँ अभी जांच करने आया हूँ। सर, क्या मिला यहाँ पर? वो झंडा भी उतराया गया है, क्या है पूरा मामला? इसमें अभी जो फारूक खां खुद जो मकान वाले हैं उनसे मैंने अभी कथन लिए, उनके जांच करी है जी। तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा जो अमीन 12 साल का एक पुत्र है, लड़का है, उसने अज्ञानतावश ये मतलब झंडा लगाया हुआ था और जैसे ही मेरे जानकारी में मिला तो मैंने वो झंडा निकाल के उसको जला दिया, नष्ट कर। तो कैसे यहाँ पर कैसे? तो जानकारी मिली है अभी, इनने ये तो नहीं बताया कि झंडा कहाँ से आया है। अब ले जाके जो हमारा औद्योगिक थाना है उसमें TI साहब को ये जानकारी और तहसीलदार साहब को बताएंगे और अग्रिम कार्रवाई जो भी अधिकारी को उचित लगेगी वो उसमें कार्रवाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी फारूक खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर ये झंडा कैसे उसके घर पहुंचा। फिलहाल इलाके में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। देवास से शकील खान की रिपोर्ट, MP तक।